हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा का दिन है। तो हम लोग घर पे इस तरह से मधुमालती का पौधा का कटिंग अगर लगाते हैं तो ये इसका रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया आने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मधुमालती का किस तरह से आप अपने घरों पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी मधुमालती का पौधा है। इस तरह से आप घर पे मधुमालती का पौधा अवश्य लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे बहुत ही अच्छी खिलते हैं। ये अभी दुर्गा पूजा का समय है और ये नवरात्रा का समय है। इस समय ये फूल बहुत ही अधिक मात्रा में खिलते हैं और ये फूल बहुत ही प्रिय है दोस्तों। इस तरह से आप घर पे मधुमालती का कटिंग लगाते हो तो ये आपको फूल दुर्गी माँ का बहुत ही प्रिय फूल है। ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लगते हैं देखने से दोस्तों। इस तरह से आप अपने घरों पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लगाने के बारे में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। इस तरह से आप पौधे को यदि लगाते हो तो ये गेट के ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ये जो आप पौधे देख रहे हैं हमारे, मैंने आपको पिछली वीडियो पर भी लिंक दिया हुआ है मेरा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। इस तरह से देखिए हमारे जो मधुमालती का पौधा है, आप देख रहे हैं कि ये घने और बड़े कितने बड़े हो चुके हैं। और इस तरह से ये पौधे बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छी तरह से ये खिल रहे हैं। इनके बीज भी होते हैं दोस्तों, इस तरह से इनकी कलियां आती हैं, ये फूल आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पौधे जब भी फूल खिलते हैं, ये पौधे का फूल खिलते हैं, तो ये आप इस पौधे को आप रात में जब देखोगे दोस्तों तो इस तरह से वाइट रहते हैं और ये सुबह में बिल्कुल पिंक हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पिंक कलर का फूल है, ये बिल्कुल पिंक कलर का फूल दोस्तों। इसको तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप यदि इस पौधे को लगाते हो तो इसमें किस किस चीज़ को आपको डालना है, किस खाद पदार्थ को डालना है कि ये पौधे बिल्कुल आपके पत्ते पीले ना पड़े। क्योंकि इस तरह से यदि पीले पड़ जाते हैं तो इनकी कीड़े भी खा जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये पत्तियां का कीड़े किस तरह से खाई हुई है दोस्तों। इसमें बहुत बड़े बड़े कीटाणुआँ लगती है, इसमें मतलब कि कीटाणु ऐसा लगती है जो आप देखकर उसको चौंक जाओगे दोस्तों। इस तरह से जो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से आपको कीटाणु लगी हुई रहती है, और ये पत्ती को आप बिल्कुल देख रहे हैं कि ये खा जाती है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, आप मेरी वीडियो पर नए हो तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं आपको अब जानकारियां देने जा रही हूँ इसको कटिंग लगाने के बारे में। तो आप इसको कट कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, कौन सा डाली को कट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो है, मैंने जो पकड़ी हुई है हाथ में, ये बिल्कुल अभी नाजुक डालियाँ हैं। ये आप कटिंग से लगाते हो तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपको जब भी लगाना है तो कम से कम साल दो साल पुरानी डालियाँ इसमें लगाना है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डालियाँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये इनके पुराने डालियाँ हैं। इस तरह से इनके रूट देखिए, इनके ये कलियाँ देखिए कि किस तरह से ये पुराने आए हैं। तो मैं आपको कटिंग कर दिखा रही हूँ कि आप कट कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज़ कि ये देखिए, हमारे ये मैंने न्यू खरीद कर लाई हूँ दोस्तों, पर इस तरह से ये मैं न्यू खरीद कर लाई हूँ दोस्तों, पर आप देख रहे होगे इसमें कितनी सारी चीतियाँ लगी हुई है। तो इस चीतियों को आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसमें सारे जो चित्ती का एलिमेंट्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, वो भी इसमें जस्ता, तांबा, कापर सारे मिक्स रहते हैं। तो इसको क्या करना है, इससे नए अगर लाकर कटिंग करते हो तो इसमें एलिमेंट्स सहित ये पौधे को ग्रो दिलाती हो। तो सबसे पहले हमको कहाँ से कट करना है, तो आप ये देखिए हमारे पुराने डंठल है, इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे है जैनी खाद, और ये हमारे हैं वर्मी कंपोस्ट, और ये हमारे हड्डी का चूरा, यदि नहीं है तो आप लकड़ी का चूरा भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने तीनों खाद को एक रखी हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, ये हमारी जो है, मैंने आपको जो बताया है
कि ये फूल दुर्गे माँ को प्रिय फूल है। इस तरह से इस फूल को चढ़ाया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये फूल को किस तरह से चढ़ाया जाता है। ऐसे देखें कि ये मधु मालती का फूल है, इसका कटिंग लगाती हूँ दोस्तों, तो ये पौधे का रिस्पांस आपको बहुत ही बढ़िया आएगी और ये पौधे आपका ये फूलों से लदे हुए मिलेंगे। दोस्तों इसमें एक एक पौधे में आपको बहुत ही अच्छे फूल मिलेंगे। इस तरह से देखिए इनके कलियां आती है, आप देख रहे हो ये छोटे कलियां हैं, बड़े कलियां हैं, ये कल तक खिलने वाली कलियां हैं। इस तरह से इसमें इसको क्या करना है, मैंने दो डालियां काटी हूँ, एक ग्रीन है और मेरी एक येलो है। इसके पत्तियां देख रहे होगे ये किस कमी और किस कैल्शियम की वजह से इनकी पत्तियां पीली हो चुकी हैं। तो ये मैं दो कलर में लगाऊंगी पर आपको फूल एक ही जैसा मिलेगी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं कट कर ले रही हूँ, ये हमारे कटिंग है, इसको क्या करना है इस तरह से कट कर लेना है और मैं तो दोस्तों ये हमारे जो है आप देख रहे हो ये हमारे रूटिंग हार्मोन है, इसको भी आपको लगाना है। इसको क्या करना है, मैं मार्केट से खरीद कर लाई हूँ, आपको भी फ्लावर शॉप पर आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एक पत्ते पर ढाल लेना है, ये हमारे जो है इस तरह से ढाल ले, ये हमारे रूटिंग हार्मोन है। इसको देखिए ये हमारे इस तरह से रूटिंग हार्मोन को आपको आपको क्या करना है कि इस तरह से देखिए हम रूटिंग हार्मोन लिए हैं। अब इसको एक बूंद पानी डाल देना है और पानी डालकर इसको इस तरह से गीला कर ले। ये रूटिंग हार्मोन पौधे के लिए बहुत रामबाण का काम करती है। तो आप देख रहे हो अब हम आपको दिखाते हैं ये हमारे कटिंग है, जो आप देख रहे हो दोस्तों हमारे कटिंग किस तरह से हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारे कटिंग है। ये देखिए ये हमारे कटिंग है, ये मैंने 5 कटिंग लिया है, ये सारे हैं मधुमालती का कटिंग। अब आपको क्या करना है, एक एलोवेरा का मैंने टुकड़े लिए है, इस तरह से टुकड़े मैंने लिया है। अब इसको भी आपको किस तरह से यूज करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने वीडियो पर। दोस्तों ये हम आपको 1 लीटर पानी ली हूँ, अब आपको देखिए इस तरह से एक गमले मैंने खाली गमले ली है, इसमें मेरे बिल्कुल मिट्टी हुई भरी है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, चाकू की मदद से चाहे आप कोड़नी जिससे आप मिट्टी खुदाई करते हो गुड़ाई करते हो उसकी मदद से आप इस पौधे पर बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स ला सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोड़ लेना है। अब कोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि ये हमारे जो रूटिंग हार्मोन लगी हुई है इसको पानी में डुबा लेना है, इस तरह से आप डुबा लें और डुबाने के बाद आप इसको कटिंग अवश्य लगाएं दोस्तों। और ये देखिए हमारे ये एलोवेरा है, इस जेल को भी आप इस तरह से लगा सकते हो और इसको इसमें फिर रूटिंग हार्मोन में भी इस तरह से आप चढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने चढ़ा कर आपको दिखा रही हूँ। और आप जब भी पौधे लगाएं हल्का टेढ़ा कर लगाएं, टेढ़ा कर लगाने से क्या होगा दोस्तों कि आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी और इसका कटिंग बहुत ही अच्छे लगेगी। आपको क्या करना है, ये देखिए हमारे ये पानी है, अब इसमें क्या करना है, मैंने मिट्टी को गुड़ाई कर दी है। अब इसको ये हमारे जो हड्डी का चूरा है या लकड़ी का चूरा आपको इस तरह से ये पौधे की कटिंग की डालना है और ये हमारे जो है ये जो हमारे जैनी खाद है इसको आपको 10 से 15 दाना इस तरह से डालना है, आप पौधे से अलग डालें। और ये बर्मी कंपोस्ट इसको क्या करना है, इस पानी में घोल लगा देना है और ये हमारी बर्मी कंपोस्ट ये हमारे जो जैनी खाद है इसको भी डालना है और ये थोड़ा मैं हड्डी की चूरा डाल दे रही हूँ। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आप चाकू की मदद से घुमा ले और घुमाने के बाद आप इस पौधे में डाल दे, क्योंकि मिट्टियाँ सूखी हुई है और इसके जड़ तक रूट आएगी, क्योंकि ये पानी अगर पौधे को लगाते समय पानी नहीं डालते हो तो इसकी रूटें जो हैं वो सूख जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं ग्रो करेगी। दोस्तों ये हमारे 5 मधुमालती का कटिंग मैंने लगाया है, आप भी घर पर लगाना सीखो, ये झटपट लग जाती है और ये पौधे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे खिलती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से जब रूटिंग हार्मोन लग जाती है तो आप इस तरह से इनके जो ऊपर का हिस्सा है उस पर आप थोड़ा थोड़ा लेप लगा दें, क्योंकि जब घाव हो जाती है तो घाव भरने में
दिक्कत होती है, तो इस तरह से इनको हम रूटिंग हार्मोन की मदद से ये घाव भर देंगे। दोस्तों इस तरह का जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।